पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर जनप्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा में इंदिरा प्रियदर्शनी घंटाघर का किया उद्घाटन, कहा अनेक चुनौतियों के बीच राज्य को विकास की पटरी पर लाने का काम कर रही है सरकार। केंद्र सरकार की अपर सचिव निधि खरे ने बोकारो में नीति आयोग की आकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की, कुपोषण की रोकथाम के लिए मूल कारणों पर ध्यान देने पर दिया जोर। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में 120 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए, झारखंड में 21 लोगों ने दी कोरोना को मात। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। देश दुनिया और झारखंड की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अरविंद। तो देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का दूरदर्शन हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। तो राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। संसद के केंद्रीय कक्ष में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रतिस्पर्धा होना लाजमी है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर जनप्रतिनिधि बनने और जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने की होनी चाहिए, तभी इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। संसद में प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंद्वता नहीं समझा जाना चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, अतः हर सांसद की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोकतंत्र के इस मंदिर में श्रद्धा की उसी भावना के साथ आचरण करें जिसके साथ वे अपने पूजा ग्रहों और इबादत गाहों में भी करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनेक बाधाओं का सामना करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ और देश की रियासतों को एकजुट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस
इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था। ऐसे संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। तो आपको लिए चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ये योजनाएं उनके लिए बड़ा संबल बनी है। इसी कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। अभी कल ही हमने इस योजना को अगले मार्च महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो कहते हैं सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वो इसी भावना का ही तो प्रतिबिंब है। आप सभी ये मानेंगे कि जब देश का सामान्य मानवी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ता है, जब उसे इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जब रेहड़ी ठेले पटरी वाले भी बैंक क्रेडिट की व्यवस्था से जुड़ता है, तो उसको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एहसास होता है। जब दिव्यांगों को, उनको ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं का निर्माण होता है, जब उन्हें आजादी के 70 साल बाद पहली बार कॉमन साइन लैंग्वेज मिलती है, तो उनमें आत्मविश्वास जगता है। जब ट्रांसजेंडर को कानूनी संरक्षण मिलता है, ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार मिलते हैं, तो उनकी भी समाज पर, संविधान पर आस्था और मजबूत होती है। जब 3 तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है, तो उन बहन बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है जो हर तरह से ना उम्मीद हो चुकी थी। महानुभाव, तो विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। झारखंड की बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस ने संविधान दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने राजभवन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान का पालन करने की शपथ दिलाई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन किया तथा देशवासियों एवं राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने संविधान को देश की एकता एवं अखंडता का आधार बताया। राज्यभर के सभी कार्यालयों, जिला समाहरणालयों में भी आज अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और अधिकारियों ने इसकी शपथ भी दिलाई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस और संविधान दिवस पर आज सूचना भवन पलामू में भी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान संविधान सभा के सदस्य रहे स्वर्गीय यदुवंश सहाय के पुत्र ब्रिजनंदन सहाय को इस मौके पर सम्मानित किया गया। क्या है वो हम लोग को पता है। आज के दिन हम लोग याद करते हैं कि इस संविधान को बनाने में, इसके निर्माण में जिन महान विभूतियों का सहयोग रहा है उनको हम लोग याद करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पलामू जिले से भी दो ऐसे महानुभाव थे जो संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने अपने विचार रखे और उन विचारों को संविधान में अंगीकृत किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा में नए समरणालय भवन तथा बिरसा मुंडा स्मारक सह हेलीपैड विकास एवं रिसेप्शन भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा के रंका में इंदिरा प्रियदर्शनी घंटाघर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अनेक चुनौतियों के बीच राज्य को विकास की पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देशभर में अब तक 1 अरब 20 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 83,88,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,549 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,868 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। कोरोना के 10,549 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटों के दौरान 9,868 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.33% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,10,133 हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में 7 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि इससे अधिक 21 लोगों ने इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 109 रह गई है। समाचारों का सिलसिला रहेगा जारी, लेकिन इस विराम के बाद। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं, वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने आज बोकारो में नीति आयोग की आकांक्षी जिलों के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर एक बैठक की। अपने दौरे के क्रम में श्रीमती खरे ने बोकारो में पलाश मार्ट का भी निरीक्षण किया। बोकारो जैसे आकांक्षी जिलों में हो रहे कार्यों को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने बोकारो जिले को झारखंड ही नहीं पूरे देश में अलग अलग योजनाओं में रैंकिंग प्राप्त होने पर संतोष जाहिर करते हुए जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी को बधाई भी दी। आकांक्षी जिले, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में ऐसे पिछड़े जिले जो कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में किसी प्रकार से पीछे रह गए हैं, उन जिलों को आगे ले जाने की एक योजना है और इस पे बहुत वृहद रूप से कार्य किया है। मैं बोकारो के DC
कुलदीप चौधरी जी को अपनी ओर से भी बधाई देती हूँ। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में इस पर जोर दिया गया कि रैंकिंग में हुए सुधार को कैसे बरकरार रखा जाए। श्रीमती खरे ने यह भी कहा कि जिले के अंदर अति पिछड़े पंचायत या गांव को चिन्हित कर वहां सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। इस रैंक को बनाए रखने की विषय है और दूसरा ये कि हम बोकारो जिले के अंदर ही जो अब अत्यंत पिछड़े हमारे ब्लॉक हैं या पंचायत हैं, इसका अर्थ है कि आकांक्षी जिले के अंदर आकांक्षी पंचायत, आकांक्षी विलेजेस। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों में कुपोषण की समस्या के मूल कारणों पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सिर्फ चिकित्सकीय समस्या नहीं है बल्कि इसके सामाजिक कारणों को भी जानने की आवश्यकता है। जो कुपोषण की व्यवस्था है उसके जो मूलभूत कारण हैं उन पर भी हम ध्यान दें, जिसमें कि ये मात्र एक मेडिकल समस्या नहीं रह जाए, यानी कि ये कोई चिकित्सकीय या उपचार की व्यवस्था ही मात्र नहीं है बल्कि इसके तमाम सोशल कारण जानने की आवश्यकता है। बोकारो दौरे के क्रम में उन्होंने पलाश मार्ट का भी निरीक्षण किया और वहां के उत्पादों की सराहना की। उन्होंने महिला समूह की दीदियों का उत्साह वर्धन भी किया और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। राज्य के मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल ने आज पाकुड़ परिसदन में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कुछ मतदाता केंद्रों का जायजा भी लिया। उन्होंने पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथ लेवल पदाधिकारियों के द्वारा प्रपत्र संग्रह नहीं किए जाने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। हमने बैठक में ही इस तरह का निर्देश दिया है सभी सहायक निबंधन पदाधिकारी को कि आपके क्षेत्रांतर्गत जो भी बीएलओ का कार्य जीरो आज तक जीरो एक भी आवेदन नहीं लिया गया है, वैसे सभी बीएलओ से स्पष्टीकरण प्राप्त करें और आवश्यक कार्रवाई करें। देवघर एम्स में फिलहाल ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। वहीं इस परिसर में बने आयुष भवन को चालू करने के लिए हर्बल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। एम्स के निदेशक सौरभ वार्सनेव ने बताया कि हर्बल पार्क का निर्माण 10 एकड़ भूमि में कराया जा रहा है जिसमें सभी प्रकार के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। ये एक हम लोगों का विचार था, एनबीसीसी के साथ सुमन जी खड़े हुए हमारे साथ सीजीएम साहब, तो ये विचार था हम लोगों का बना था कि इस एरिया में हमारे पास जमीन है तो एक अच्छा सा यहाँ पे एक पर्यावरण क्रिएट किया जाए। उसी का एक हिस्सा है कि हर्बल गार्डन तकरीबन 5 एकड़ जमीन में जिसका अभी उपयोग नहीं होना है आगे आने वाले समय में, उसमें हम एक गार्डन बनाने जा रहे हैं, इसका हर्बल गार्डन कहेंगे। उसमें विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल प्लांट, हर्बल प्लांट लगाए जाएंगे जिससे लोगों को जानकारी मिले प्लांट्स के बारे में। और ये हमारा जो कैंपस है ये एक और ये लोगों के दर्शनीय एक पार्क की तरह डेवलप किया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 दिसंबर को प्रस्तावित केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल की प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक की सभी समितियों को भंग कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। ओडिशा प्रदेश की समितियां यथावत रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में महाधिवेशन के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को भी अधिकृत किया गया है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। कि मिल्क इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 30 सालों में उन्होंने दूध की कमी से जूझ रहे भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। उनके योगदान के लिए उन्हें रैमन मैग्सेसे, पद्म विभूषण और वर्ल्ड फूड प्राइज जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिवस 26 नवंबर को उनके सम्मान में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
पशुपालन और डेयरी विभाग डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आज गुजरात के आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परिसर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन कर रहा है। विभाग इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और डॉक्टर कुरियन द्वारा स्थापित अन्य संस्थानों के साथ मिलकर आयोजित करेगा। समारोह के दौरान केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान उत्पादक संगठनों के विजेताओं को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला धामरोद गुजरात और हेसरगट्टा कर्नाटक में आईवीएफ प्रयोगशाला और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2 का भी उद्घाटन करेंगे। दुग्ध उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर करने के अलावा किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने कई कार्य किए थे। डॉक्टर कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। देखिए रिपोर्ट। एक समय जब भारत में दूध की कमी हो गई थी तब डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ था। झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ इंडियन डेयरी एसोसिएशन झारखंड चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के 100वां जन्मदिन मेधा डेयरी के होटवार प्लांट स्थित परिसर में मनाया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी मौजूद रहे। जो खुद रोजगार क्रिएट करते हैं और एक सर्वे कहता है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार का सबसे बड़ा अगर आज के दिन में स्रोत है तो वो है दूध उत्पादन और इसकी बिक्री। और कुल मतलब जैसे अगर आप ले लें कि चावल गेहूं गन्ना और दलहन ये चारों को मिला देंगे तो जितना टोटल वैल्यू होता है उससे कहीं ज्यादा दूध का जो उत्पादन होता है उसका है। आज के झारखंड राज्य दूध महासंघ के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ही पूरे भारतवर्ष में श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया था। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब पहले दूध हम दूसरे देशों से मंगाया करते थे लेकिन आज हम खुद इसका उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन गए हैं। धीरे धीरे हम दो गाय से इस योजना को शुरू की और फिर हम दूध उत्पादन में आज 8 गाय लेके चल रहे हैं और अच्छा दूध उत्पादन भी कर रहे हैं। हमें इस डेयरी से सहकारिता मेधा डेयरी से जुड़कर हमें काफी प्रॉफिट भी हो रहा है और हमारे बाल बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न जिलों से आए दूध उत्पादक किसान भी डॉक्टर कुरियन की उपलब्धियों से अभिभूत नजर आए। उन्होंने भी कहा कि दूध उत्पादन करके ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है और वे इस व्यवसाय से काफी खुश भी हैं। और इस पशुपालन से इतना हम सब कुछ किए जे कि घर मकान हमरा अपना आज रहने की योग और बच्चे लोग को पढ़ाने योग हम सच में हैं। दूध उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर करने के अलावा किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए भी डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने कई कल्याणकारी कार्य किए थे। उनके जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर मौजूद दूध उत्पादकों के बीच बोनस एवं प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। कोडरमा जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सतगामा डोमचांच चंदवारा एवं जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शिविरों का आयोजन कर लाभुकों को राशन कार्ड पेंशन पशुधन योजना सुकन्या योजना मातृवंदना योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। कांग्रेस ने पाकुड़ में महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जिसमें राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर तथा विधायक बंधु तिर्की सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। देखिए सरकार के कार्यक्रम होते हैं और संगठन के कार्यक्रम सरकार के जो कार्यक्रम है वो आपके अधिकार आपकी सरकार आपकी द्वार ये कार्यक्रम हम लोग 28 दिसंबर तक करेंगे और संगठन जो कांग्रेस पार्टी का झारखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में सभी कोने में ये हमारा जन जागरण जो अभियान हम लोग चला रहे हैं सब जगह
इसलिए हमारा जो है कंपलसरी किसी को नहीं, संगठन नहीं, हम संगठन जो जो करता है वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमेशा काम करता है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में हम संविधान के मूल्यों को याद करेंगे। We, the people of India. आज संविधान दिवस है जो हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को 1949 में इसी तारीख को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के मनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का बल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की और सभा के सबसे पुराने सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदस्यों से समर्पण की शपथ लेने का आह्वान किया। Through suffering and sacrifice, have secured freedom. I, a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land gain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. Samvidhan Sabha ne 11 December 1946 ko डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। एक नवजात राष्ट्र में संविधान सभा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैं ये भी मानता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा अख्तियार, मुकम्मल अख्तियार इस बात का है कि वो अपनी कार्रवाई जिस तरह से चाहे करे, इसके अंदर वो जो कुछ करना चाहे करे, और इसमें किसी भी बाहर की ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाइयों में वो कुछ भी हस्तक्षेप या दस्तंदाजी कर सके। संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे महान राष्ट्र की विभिन्न विचारधाराओं और विविध संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने का कठिन कार्य सौंपा गया। उन्होंने कहा था, लेट अस लीव असाइड स्लोगन, लेट अस लीव असाइड वर्ड्स व्हिच फ्राइटन। समाचारों के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर जन प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा में इंदिरा प्रियदर्शनी घंटाघर का किया उद्घाटन। कहा, अनेक चुनौतियों के बीच राज्य को विकास की पटरी पर लाने का काम कर रही है सरकार। केंद्र सरकार की अपर सचिव निधि खरे ने बोकारो में नीति आयोग की आकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। कुपोषण की रोकथाम के लिए मूल कारणों पर ध्यान देने पर दिया जोर। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में 120 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए। झारखंड में 21 लोगों ने दी कोरोना को मात। कैडेट सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो
तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है।